Subscribe now to receive new updates every day. थाईलैंड में मुआय थाई की एक बॉक्सर नोंगरो चारों सुख इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। वे बाकी बॉक्सरों से थोड़ी अलग हैं। दरअसल वे ट्रांसजेंडर हैं। वे हैं तो पुरुष, लेकिन उन्हें महिलाओं की तरह रहना पसंद है। वे लिपस्टिक लगाती हैं, स्पोर्ट्स ब्रा पहनती हैं और उनका एक बॉयफ्रेंड भी है। नोंगरोज की उम्र फिलहाल 21 साल है, लेकिन उन्होंने 8 साल की उम्र में ही बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दिया था। रोज के अंकल ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया और उनके जुड़वां भाई भी मुआय थाई फाइटर हैं। रोज को भले ही लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद है, लेकिन बॉक्सिंग वे पुरुषों के साथ ही करती हैं। हाल ही में उन्होंने मुआय थाई बॉक्सिंग में एक अन्य बॉक्सर को हराकर खूब नाम कमाया है। उन्होंने केवल 5 राउंड में उस बॉक्सर को पटखनी दे दी। अपने ट्रांसजेंडर होने को लेकर नोंगरोज का कहना है कि ट्रांसजेंडर होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हैं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नोंगरोज को काफी पहले ये एहसास हो गया था कि उनके अंदर एक महिला छुपी हुई है। इसी वजह से उन्होंने मेकअप करना शुरू कर दिया, साथ ही वे रिंग में स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर उतरती हैं। नोंगरोज आगे चलकर दुनिया भर में मुआय थाई की प्रचारक बनना चाहती हैं। लोग उड़ाते हैं मजाक। नोंगरोज ने अब तक छोटे शहरों में ही अपनी ज्यादातर फाइट्स लड़ी हैं। वहां उनके पहनावे की वजह से उनके कुछ मेल अपोनेंट परेशान हो गए और उनके साथ लड़ने में हिचकिचाने लगे। नोंगरोज के मुताबिक, उन लोगों ने गए कहकर मेरा मजाक उड़ाया। वे मेरे साथ नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि इससे शायद हार या जीत दोनों ही स्थिति में वे असहज हो जाते। रोज आगे कहती हैं, लोग अब भी इस तरह मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करती। थाईलैंड को गए और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के बहुत से लोगों का ये मानना है कि उनके साथ बेकार व्यवहार होता है। नोंगरोज थाईलैंड की पहली ट्रांसजेंडर बॉक्सर नहीं है। पहली बॉक्सर तो परनिया नोंगटूम है, जिन्हें लेकर साल 2004 में फिल्म ब्यूटीफुल बॉक्सर बनी थी। टूम फिलहाल थाईलैंड में एक बॉक्सिंग स्कूल चलाती हैं और नोंगरोज भी आगे कुछ ऐसा ही करना चाहती हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट।